नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आपका स्वागत है दीक्षा जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, एसएससी ने एमटीएस एग्ज़ाम को लेके आज फिर से जो एक नोटिस आपको अपडेट दिया है, तो आप देख सकते हो। तो देखो, यहाँ पे एसएससी एमटीएस इससे पहले भी और एक अपडेट दिया था, उसमें भी सेम चीज़ एसएससी दोहरा रही है। मतलब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा आप समझ लो। यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है, आप जब एग्ज़ाम सीबीई के लिए एग्ज़ाम देने जाओगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट है। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, अगर आपकी वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब जहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड फ़ोटो भी होगा और डेट ऑफ बर्थ भी होगा, जो आपकी एडमिशन सर्टिफिकेट मतलब एडमिट कार्ड में जो है वो होगा। अगर डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ, देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल में एज प्रूफ ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ। अगर मिसमैच है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में और आपकी एडमिशन सर्टिफिकेट में, दोनों अलग 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 है, तो गाइस एक एडिशनल सर्टिफिकेट लेके जाना। वो आपकी ग्रेजुएशन की, क्लास 10 की, 12th की, या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है वो अलग से लेके जाना, जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर ये नहीं लेके जाते हो तो आपको एग्ज़ाम दिया नहीं देने नहीं दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी लॉस हो जाएगी। गड़बड़ मत करना, क्योंकि लास्ट मिनट में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है तो एग्ज़ाम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो अगर देख लो पहले एडमिट कार्ड में क्या है, उसी हिसाब से आप जो है डॉक्यूमेंट लेके जाना। तो आज ही का है, देख सकते हो, 1/8/2019 का। तो चलो, अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करना, बने रहिए हमारे चैनल में सभी अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।